हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। चलो तो हम आज चलते हैं DIY। ये हम बातें करते करते जा रहे थे DIY और ये आ गया हमारा DIY। आज मैं आपको बताती हूँ जामनगर का DIY कैसा है। DIY के अंदर जाते ही यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स है जो हमें अभी नहीं लेना है, हमारे काम का नहीं है। तो चलो चलते हैं ऊपर। ऊपर जाते ही यहाँ पर पहले आता है सॉफ्ट टॉयज, वॉच और सब कुछ मटेरियल्स, पिल्लो। यस, अरे अरे, ये मैडम का भी नाटक भी स्टार्ट हो गया। कभी ये करती है, कभी पिलो टच करेगी, कभी सॉफ्ट टॉयज को घा करते है। तो अब हम जो लेने आए पहले वो ले लेते हैं। हमको बुक चाहिए। चलो, कौन सी अच्छी लगती है बुक? वाओ, ग्रीन। लेकिन इसमें कैक्टस था इसलिए हमने ये नहीं लिया। ये पुरु दीदी का फेवरेट ग्रीन कलर है। जो भी ग्रीन कलर देखेगी वो पहले टच करेगी। इसमें से कोई अच्छी नहीं लग रही है। हाय, ये छोटी बच्ची है, पता नहीं क्या कर रही थी। देखो, फिर से इसने ग्रीन कलर उठा लिया। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। वाह, लेकिन फिर इसका प्राइस देखा तो मैंने तो रख दी, हमारे काम की नहीं थी वो। फिर आगे गए तो ज्वेलरी सेक्शन था पूरा, जिसमें कुछ भी सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमें कुछ भी लेना नहीं था। फिर मैंने ये टाइम पास किया, मेरे बाल में फंस गई। फिर हमने मिरर सब देखे, उसमें भी टाइम पास कर लिया। फिर ये बुक में टाइम पास मैंने किया। फिर ये सब कुछ पेन थी जो हमें नहीं चाहिए, इसमें से कुछ भी हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक बुक खरीदने के लिए DIY में आए। ये सब फोटो फ्रेम्स, टिश्यू, जो हमें कुछ काम का नहीं है। देखो, फिर से इसका नाटक स्टार्ट हो गया। फिर लोग बोलेगी, टच करेगी और सो जाएगी। और हमने फाइनली एक डायरी ले ली और हम चल गए फिर से हमारी ऑफिस की तरह। थैंक यू सो मच गाइज़।